apologize to them that that I won't be doing Hera Feri. ये वीडियो देख के आपको ऐसा नहीं लगा कि ये एक स्टंट था? इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अक्षय कुमार से बड़ा खिलाड़ी इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है, क्योंकि राजू भाई ने अपना स्कीम तब से ही चालू कर दिया था। एंड अब कल के दिन पे माहौल में आया कि यार हेरा फेरी 3 फाइनली अनाउंस हो गई है एंड राजू भाई इज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, तो ये तो होना ही था यार। विदाउट अक्षय कुमार हेरा फेरी इज नॉट पॉसिबल, एंड अक्षय कुमार के बिना आपने हेरा फेरी बना ली, ये तो वही बात हो गई कि भाई विराट टू चर्चगेट वाली ट्रेन नाला सुपारा नहीं रुकी। देखो, हेरा फेरी इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स एन इमोशन। आजकल के टाइम पे लोग खाना खाते वक्त जो तारक मेहता देखते हैं, शार्क टैंक देखते हैं ना भाई, उस टाइम पे हमारे पास हेरा फेरी की कैसेट थी दोनों पार्ट की, हम खाना खाते वक्त उस फिल्म को रिपीट मोड पे देखते थे। एंड ये फिल्म हम लोगों से कितनी जुड़ी हुई है ये हम सब जानते हैं यार। आजकल की जितनी भी कॉमेडी फिल्म ले लो, ये एक काइंड ऑफ बिजनेस करके चली जाती है, लेकिन ये ऑडियंस के मन में ऐसा छाप नहीं छोड़ के जाती कि आप उस फिल्म को रिपीट मोड पे देखो। वहीं आप हेरा फेरी, हलचल, धमाल, गोलमाल, हंगामा, ये सब फिल्में ले लो भाई, आज भी मेरे पिताजी के साथ हम टीवी पे बैठ के लगा के देखते खाना खाते टाइम कि चलो टाइम पास हो जाए। सोचो ये वैल्यू है उस फिल्म की। एंड उस सारे फिल्मों में कौन थे हीरो? सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी एक्टर्स थे हीरो। मुझे आज भी इंडस्ट्री का समझ में नहीं आता कि जब आपको मालूम है कि यार वो सारे कॉमेडियंस की कॉमेडी आप रिपीट मोड पे देख सकते हो, फिर भी आपने उनको घर बिठाया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आजकल ट्विस्ट तो ऐसा चल रहा है कि भाई सब जितने भी सीरियस एक्टर है वो कॉमेडी कर रहे हैं, एंड जितने भी कॉमेडी एक्टर है वो घर बैठे हैं। जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, फिर बाद में विजय राज, संजय मिश्रा एंड ऑल, भाई सब इनकी कॉमेडी आप रिपीट मोड पे देख सकते हो, लेकिन ये आज के टाइम पे आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री ही मौका दे रही है। अब इंडस्ट्री भले सीरियस एक्टर से कॉमेडी करा सकते हैं, लेकिन मजा ले कि कॉमेडी एक्टर से सीरियस रोल कराए, नहीं भाई हम मौका ही नहीं देना चाहते। जबकि कॉमेडी करना सबसे बड़ा हार्ड काम है। जिस एक्टर ने कॉमेडी कर ली भाई साहब, उसके लिए सब चीज आसान है। मेरे को आज भी याद है आपकी अदालत का अक्षय कुमार का एपिसोड, वो बोलते कि भाई साहब अगर आपको रोमांस करना है, इमोशन करना है, आंख में दो उंगली डाल दो, आप रो दोगे, इमोशनल कर दोगे, ऑडियंस को रुला दोगे, लेकिन मजा ले आप कॉमेडी आसानी से करके दिखाओ। अगर आसानी से कॉमेडी हो गई होती ना, तो आज भी हमें पुरानी कॉमेडी फिल्में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बोलते थे कि भाई आज भी वैसी फिल्म आ रही जैसे पुराने टाइम में आते थे। बट यार मैं तो पहले भी बोलता था और आज भी बोलूंगा, एक ना एक दिन ये इंडस्ट्री को बहुत पछतावा होगा जो इन एक्टर को घर बिठाए हैं एंड यूज नहीं कर रहे, देखना बहुत पछताएंगे। अब आप ही लोग सोचो ना, हेरा फेरी जो फिल्म है इसमें हमारे सारे पसंदीदा कॉमेडियन एक साथ नजर आएंगे, जो इस फिल्म की प्लस पॉइंट थी, जिन्होंने अपने कॉमेडी से पूरे फिल्म में जान डाली थी। आप हेरा फेरी देख लो, फिर हेरा फेरी देख लो, उनकी कॉमेडी इतनी एडवांस थी कि भाई आजकल के अच्छे अच्छे कॉमेडी फिल्म को हगा डाले, इतने लेवल की कॉमेडी थी। मीम्स आज तक बनते हैं भाई साहब, आज तक। एंड इस फिल्म का हीरो कौन था? हर एक एक्टर था, तो वो पहचाने, वो जाने, इसलिए इसका क्रेज ऐसा है। आज जब एक अनाउंसमेंट होता है, लोगों को पठान, जवान, दंकी, फिर बाद में पुष्पा 2, फिर KGF 3, सब भूल जाते लोग, क्योंकि ये फिल्म से कनेक्शन ऐसा है कि भाई साहब इस जॉनर को हर कोई पसंद करेगा, बच्चा बूढ़ा, हर का हर कोई। एंड क्रेज ऐसा है कि लोग बेकाबू हो गए सोशल मीडिया में कि भाई साहब हमें देखना है कि कौन आ रहा है, क्या ट्विस्ट है इस फिल्म में। लेकिन फिर बाद में ट्विस्ट आपको ये देखने मिल जाता है कि कुछ रिपोर्ट्स की मानो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हमारे फराद नोलन साम जी। यार मतलब मेरे को ना ये चीज समझते ही नहीं कि इनका कोई एथिक्स ही नहीं, या तो ये लोग ऑडियंस को चूतिया समझ के रखे। मतलब यार एक डायरेक्टर जो बैक टू बैक डिजास्टर फिल्म देते आ रहा है एंड बहुत ट्रोल भी होते जा रहे हैं, क्रिंज पे क्रिंज देते जा रहा है, फिर भी उस बंदे को बड़े बड़े एक्टरों की बड़ी बड़ी फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिलता है। भाई साहब कुछ तो एथिक्स रख लो, कुछ तो इज्जत करो ऑडियंस का, या तो तुम्हारा ऐसा कि तुमको ऑडियंस का सुनना ही नहीं है। नहीं, इस फिल्म का कुछ ज्यादा बुरा नहीं होएगा यदि फराद साम जी हेरा फेरी को डायरेक्ट करते, तो कुछ नहीं होगा, बस एक कॉमेडी फिल्म ऐसी बनेगी कि जिसमें कॉमेडी ढूंढना एक सस्पेंस हो जाएगा, एंड फिर एक ऐसी फ्रेंचाइजी की वाट लगेगी जिसके बाद डायरेक्टर को बहुत ट्रोल भी किया जाएगा फराद साम जी को, एंड फिर उसी फराद साम जी को दो और फिल्म मिल जाएगी। भाई क्या कर रहे हो यार। यार वैसे ही हम जिंदगी में बहुत टूटे हुए, आप हमें और मत तोड़ो। कुछ यादें हैं, कुछ मेमोरीज हैं हमारे अच्छे फिल्मों के साथ, तो आप कुछ ऐसा ना करो कि भाई पूरा ही चौपट कर दे। मैं बताऊँ, बहुत शर्म आ गया था मेरे को जब मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा था फराद साम जी के साथ कोलैब करते हुए, एंड वो एक्टर्स ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं कि आप बोलते हो कि ये भाई हमारे इतने बड़े सुपरस्टार ये क्या कर रहे, ये फील हो गया था भाई साहब। एंड ये सबको मालूम है कि ये बंदा बैक टू बैक डिजास्टर दे रहा, फिर भी आप फैमिली रिलेशन के चक्कर में ऐसा ऐसा काम करवा रहे हो, ऐसा ऐसा मौका दे रहे हो। यार अगर ये हो के रहा ना, तो ट्रस्ट मी हेरा फेरी के बाद ना भाई
कोई बॉलीवुड से उम्मीद नहीं करेगा, बोलेगा कि तुमको जो फ्रेंचाइजी की वाट लगाना है या अच्छा दिखाना है दिखाओ लगाओ। आज जब इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की आप बात करते हो और फिर बाद में बताते हो कि फरहाद समझी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, तो भाई साहब फिर छोड़ दो हमें, क्योंकि वैसे ही हमारी लाइफ कॉमेडी है, इतना कॉमेडी मत करो यार। एनीवेज एक और रिपोर्ट जो मेरे को सुनने में आई वो ये है कि भाई साहब इस फिल्म की हीरोइन है रश्मिका मंदाना, नहीं तो कृति सेनन, नहीं तो दिशा पटानी। अब देखो यार मैं पहले क्लियर कर दूं, दिशा पटानी एक्ट्रेस बनी है कैल्विन क्लेन के लिए एंड रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में आई है हिंदी सीखने के लिए एंड कृति सेनन फिर भी अच्छा काम करती है, बट भाई साहब आप क्या क्या बुद्धि लगा रहे हो यार, आप फिल्म बना रहे हो या एक विलन रिटर्न्स बना रहे हो वापस? चलो वो तो भगवान भरोसे ही छोड़ देते कि क्या होने वाला है इनका, लेकिन यार जब राजू भाई है हमारे इस फिल्म में तो भाई साहब 500 करोड़ तो कंफर्म है, क्योंकि इसकी अगर कॉमेडी एवरेज भी रही तो ये फ्रेंचाइजी की इतनी वैल्यू है कि जोरदार कमा सकती है। एंड अगर इमेजिन करो इसकी कॉमेडी हिट कर दे राइट ऑन द टारगेट, भाई छप्पर फाड़ पैसा कमाएगी, छप्पर फाड़, क्योंकि ये अपने आप में इस फिल्म का इतना वट है ना, उतना वट किसी फ्रेंचाइजी का नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेंचाइजी है जो कंप्लीटली बॉलीवुड से मिसिंग था। सो एनीवेज मैं इतना ही कहूंगा कि भाई साहब प्रोड्यूसर हो आपको मालूम है कि ये सबसे बड़ा जैकपॉट है, अगर इस पे पैसा लगा डाला तो प्रोड्यूसरों का जिंगा लाला हो जाएगा, इसलिए बोल रहा फरहाद समझी को दूर रखो इससे, प्लीज ऑडियंस का रिस्पेक्ट करो। एंड मैं चाहता हूँ कि प्लीज ऑडियंस ये वीडियो को शेयर करो, ट्विटर सब जगह शेयर करो, इनके मेकर्स देखते हैं ये वीडियो तो उन तक ये बात पहुंचाओ, अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज पहुंचाओ ये वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। सो मिलते अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।